समझने की आवश्यकता है। आप डिग्री लेने के बाद सुशिक्षित बनोगे पर सुसंस्कृत बनोगे ये कोई हमारा कॉलेज गारंटी नहीं देता। अगर अच्छा इंसान बनना है तो हमारे जीवन में मूल्य होते हैं, सच बोलना, दूसरे के प्रति सहिष्णु रहना, गरीब व्यक्ति को मदद करना, फ्रॉड नहीं करना, छोटे छोटे बातें, इसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, जीवन मूल्य। और शिक्षा यह ऐसी पद्धति है कि उसके संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और यह निर्माण करते समय एक सामान्य व्यक्ति असामान्य हो सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सबके जीवन में नॉलेज तो आवश्यक है पर नॉलेज के साथ जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, उसको भी स्वीकार करके आपके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाना उतना ही आवश्यक है। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं जब स्कूल में था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमको एक ऐसे लिखने के लिए बोला था, माय एम इन लाइफ। तो हमारा वो राजविलास टॉकीज के पास, भुल्ले साहब को मालूम होगा, बुधवार बाजार में वो पुरानी किताबें मिलती थी, वहाँ श्योर सक्सेस और गाइड मिलती थी। तो वहाँ हम लोग दत्ता मैगे साहब एक बार वहाँ पुराने किताबें बेचते थे और उनका जीवन में देखो कितना बदल हुआ। तो वो हम लोग वहां से श्योर सक्सेस गाइड खरीदते थे। हम भी ज्यादा खेल दौड़ ज्यादा करते थे, अभ्यास में ध्यान कम था। तो हमने उन्होंने बोला तो हमने सबने वो श्योर सक्सेस और गाइड खरीदी की। और मुझे याद है कि उसमें सब गाइड में ये निबंध लिखा था और उसमें लिखा था, ए मैन, एवरी मैन हैव एन एम इन लाइफ, ए मैन विदाउट एम इज लाइक ए शिप विदाउट रडर। Therefore, my aim in life is a doctor. तो सबने क्या किया, क्लास में 50-60 लड़के थे तो उन 50 लड़कों ने डॉक्टर डॉक्टर करके पूरा कॉपी करके लिख लिया और वो परीक्षा तपासने लगे किसने क्या लिखा। तो 15-20 कॉपी तपासने के बाद हमारे टीचर भड़क गए और उन्होंने मराठी में कहा, अबे लिखो हो तुम्हें सगड़े डॉक्टर बनना था तो कंपाउंडर कौन बने। तो ये बात नहीं है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बनो, आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, समाज में अच्छी मान्यता आपको मिलनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। नॉलेज विद संस्कार, नॉलेज विद वैल्यूज, इससे व्यक्ति बनता है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। मैं अपने जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बहुत मानता हूं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। कभी उनके पास पुलिस नहीं रहते थे, गाड़ी नहीं रहती थी, सिंपल कपड़ा पहनते थे, बहुत ईमानदार थे। मुंबई में टैक्सी वालों के यूनियन के नेता थे। उनका इतना सादा सरल व्यवहार है कि अब मैं 40-50 साल हो गए राजनीति में हूं पर मेरे को कोई हार पहनाता नहीं और मैं किसी को हार डालता नहीं। मैं अब एयरपोर्ट पे आता हूं तो मैं बोलता था कुत्ता भी मुझे लेने के लिए नहीं आता। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मुझे कुत्ता लेने के लिए आता है क्योंकि मैं 6+ कैटेगरी में हूं तो मैं उतरने के पहले कुत्ता चक्कर मारता है। बाकी मैं कोई मेरे को हार डालता नहीं, मैं हार किसी आया तो डांटता हूं लोग और मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं। और कोई आया तो मेरे को काम धंधा नहीं है, कह के ले आया तू यहां, चल यहां नहीं आना, मैं उस किसी का स्वागत सत्कार नहीं करता। फिर मैंने अपने कटआउट नहीं लगाया और लगा था, अभी तक मैंने पैसे नहीं खर्चे गए इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अब मैं जात पात पंथ धर्म बाजा नहीं मानता हूं तो मेरे में ताकत है। मैं चुनाव में खड़ा था, मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। मेरे वाला पूरा नागपुर मेरा है और मैं जात पंथ धर्म भाषा के अंदर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। जो भी आएगा जिसका सही काम है वो करूंगा और गलत काम अगर अपने वाला होगा तो भी नहीं करूंगा और मुझे लगता है कि कोई इससे नुकसान नहीं होगा। पूरे शहर में मैंने कितने घर तोड़े, एक बार मेरी पत्नी भी नाराज हुई, उसका घर भी तोड़ा था मैंने रामटेक। अब वो शहीद चौक पूरा टूट रहा है तो मुझे ये तुम्हारा रोड भी तोड़ने की बहुत इच्छा है। ये रेलवे की प्रॉपर्टी आती है, अब ये ब्रिज मैं
अभी एक महीने में लॉन्च करूंगा तो नीचे का ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बातें होना, लोकोपयोगी बातें होना, ज्ञान का उपयोग गांव गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए करना, गरीबी दूर करने के लिए होना, और हमारा ये जो सबका परिवार सुखी हो। अभी वर्ल्ड में चर्चा है, अभी आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स यानी सुखांक, और ये सुखांक जो है इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता है? जैसे अभी फुले साहब ने बताया कि इतने 4000 बच्चे पढ़ते हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिलना गरीबों के लड़कों को, ये एक निकष है। रोटी कपड़ा मकान मिलना, ये निकष है। नागपुर में मैं चाहता हूं 350 खेलने के मैदान तैयार हो, और झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब व्यक्ति का, गरीब गरियार का लड़का रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ग्राउंड पर खेले। हर चाहता हूं कि हर जगह पर एक स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, और हमारा बच्चों का व्यक्तित्व तैयार हो। हम लोग क्रीड़ा महोत्सव लेते हैं, मैं हर साल लेता हूं 8 साल से, 70,000 खिलाड़ी खेले इस बार। यहाँ इसके बाजू में हॉकी या फुटबॉल का ग्राउंड है, वहां मैं आया था, सब जगह ये बाद में रेलवे के इसमें फुटबॉल के मैचेस हुई थी, और 70,000 खिलाड़ी खेले, 10,000 तो पंचे थे, और 1,68,00,000 रुपए के अवार्ड्स लोगों को बांटे गए। कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, दौड़ सब था, और मैं कहता था कि इसमें सब जो गरीब लड़के वो भाग ले। कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज में हम सांस्कृतिक महोत्सव बना रहे, स्पोर्ट्स में भी हमने सुरेश भट्ट सभागार इतना बड़ा बनाया, और वो पूरा एयर कंडीशन है। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि ये 5,000 में दो, बोले साहब इसको तो लाइट लगते है, बिल आता 80,000 रुपये का, कैसे होगा? बोला मैं करता हूँ, कैसे होगा, 10,000 के ऊपर पैसे नहीं लेना, ये गरीबों के लिए है। तो मैंने ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, और 80 कार्यक्रम की बिजली मुफ्त मिलती है, और 10,000 रुपये में इतना बड़ा सभागृह कार्यक्रम के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं अभी इतना बड़ा सेंटर हुआ, ये भी बहुत पैसे दिए, मैं इसको देखता था। अभी मैं पूछा कि इसका उपयोग कितना होता है, कितने कार्यक्रम होते हैं, ये आपके पैसे से बनाया है, और इसका उपयोग यहाँ के उत्तर नागपुर के गरीब जो परिवार के लड़के हैं उनके कार्यक्रमों के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। ये तो इतना बड़ा बनकर अगर कार्यक्रम नहीं होंगे तो इसका उपयोग क्या है? और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आपको फुले साहब के कारण एक अच्छी स्कूल मिली, अच्छा शिक्षा मिली। हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि जहाँ स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ दोनों है वहाँ विद्यार्थी नहीं, और जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं। आप ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने आपके लिए अच्छी स्कूल भी बना, और उससे भी अच्छी बात हुई कि उन्होंने जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने प्रावीण्य मिलाया अच्छी तरह, जिनको आज कुछ अच्छा उन्होंने दिखाया शिक्षा क्षेत्र में करके, उनका वो सत्कार कर रहे हैं। और सत्कार इसलिए है कि आप सबको प्रोत्साहन देने के लिए। और अभी जो आपकी शिक्षा है ये अंतिम नहीं है, कोई स्कूल में 10वीं में मेरिट आएगा, 12वीं में आएगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये शिक्षा का एंड नहीं है। सबसे बड़ी परीक्षा जीवन की परीक्षा है। एक अच्छे इंसान के रूप में अगर आप जीवन की परीक्षा भी अगर उत्तीर्ण होंगे तो दैट इज द ट्रू मीनिंग फॉर योर एजुकेशन। और इसलिए आज आप सबका सत्कार हो रहा है, मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, भगवान आपको आशीर्वाद दे, और आपके जीवन में आप शिक्षा के आधार पर सुखी समृद्ध जीवन तो आपको मिलेगा ही, और उसके साथ साथ समाज के गरीब के लिए आपके जीवन में आप मदद करते रहे, एक अच्छे इंसान बने, ये भी आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।